नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है और आपको योग दिवस पर भरपूर शुभकामनाएं, कोट सा मंगल कामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि योग आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति और प्रसन्नता लाए, आपका जीवन एक नए आयाम की ओर बढ़े, आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचरण हो और आप प्रसन्न चित्त रहें, जिसका संदेश आर्ट ऑफ लिविंग देते, जिसका संदेश इसके प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी देते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, हम अपने को कैसे प्रसन्न रखें। और इस चर्चा में हमें सहयोग कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी शिवपाद जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको भी योग दिवस की भरपूर बधाइयां। धन्यवाद स्वामी जी। जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ संदेशों को पढ़ता हूं और जब मैं जन सामान्य से बात करता हूं तो उनकी कुछ धारणाएं होती हैं, आम जन सोचते हैं, हालांकि ये सब बातें आपके सामने आई होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जरा उनका भी समाधान हो। आर्ट ऑफ लिविंग कहता है वर्तमान में प्रसन्न रहो। एक और आर्ट ऑफ लिविंग का संदेश है कि प्रसन्न रहो, एक और ये कहा जाता है कि भूतकाल से सबक लो, वर्तमान को सुधारो और भविष्य को संवारो। क्या कहना है आपका? आप बिल्कुल सही बोले हैं, वर्तमान में रहो। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम वर्तमान में हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि भूतकाल से हमें सीखना जरूरी है और भविष्य की परिकल्पना करना जरूरी है, लेकिन मन बहुत विचित्र है। जब मन भूतकाल में जाते हैं और वहीं से सीखना शुरू करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैं भूतकाल में नहीं हूँ, मैं हूँ वर्तमान में। वो भूतकाल को सत्य मान के बैठ जाते हैं। जो भूतकाल में हुआ था उसी को लेके या तो पश्चाताप करता है या रोते रहते हैं, और जब भविष्य में जाते हैं तो भय आता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये भूल जाता है कि मैं वर्तमान में हूँ, भविष्य अभी तक आए नहीं और भविष्य आने तक बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, भूतकाल से सीखो और भविष्य के बारे में परिकल्पना करो, लेकिन मत भूलो आप हो कहाँ पे, इस क्षण पे। अगर आप ध्यान से देखें आपकी पूरे सृजनात्मकता इसी क्षण पे है। इस क्षण में आप पूरी तरह से हैं तो आप पूरी तरह से सृजनात्मक बन सकते हैं, यही हम बोलते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि हम भूतकाल को भूले कैसे, सबसे बड़ी बात ये है कि और हम भविष्य के बारे में सोचे नहीं। जैसा कहते हैं डर लगेगा, तो भविष्य के बारे में जब डर लगेगा, सोचेंगे नहीं, तो हमारा लक्ष्य कैसे तय होगा, हम उन्नत के मार्ग पर कैसे बढ़ेंगे, हमारे में महत्वाकांक्षाएं की योजनाएं कैसे आएंगी। सवाल केवल ये, क्योंकि ऐसा लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग कहता है कि वर्तमान में प्रसन्न रहो, बस आगे क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा मत देखो। ये थोड़ा सा एक आम धारणा लोगों में। नहीं नहीं यार, ये शायद समझने की थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, भूतकाल से आप सीखो, लेकिन ये मत भूलो कि आप वर्तमान में हो। भूत जा चुका है, भूतकाल में जो भी हुआ था वो हो चुके हैं। माने कि आपका ये कहना है कि जो भूतकाल में आपका जो रोदन था, जो दुखीपन था, जो आपकी भूलें थी उनको लेकर के जो आप पश्चाताप का भाव ले रहे हैं, बार बार उसी में जी रहे हैं, उससे दूर भागिए। नहीं, दूर भागना नहीं है। हाँ। फिर से भूतकाल के प्रति सजग हो जाओ। भूतकाल में आपके साथ ये हुआ था, बट वर्तमान ने आपको एक मौका दिया है। हाँ। उसको अलग तरीके से करने की, करने का, ठीक बात। माने कि भूतकाल से सीखिए और वर्तमान को संभालिए। भूतकाल से सीखिए। हाँ। लेकिन है आप वर्तमान में, ये मत भूलिए ये। और दूसरी ओर आपने एक बात और कह दी कि भविष्य के प्रति सजग रहे। भविष्य हमेशा भय लेके आता है। भय लेके आता है, अब क्या होगा, अब ये, हाँ ये जरा ये क्लियर कर दीजिए। भविष्य हमेशा एक भय लेके आता है, क्योंकि भविष्य अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है।
तो जब भी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो एक भय हमारे मन पे आने लगता है। तो मैं कहता हूं भविष्य तो आया नहीं, अभी वर्तमान में है, और वर्तमान को अगर मैं बेहतर बनाऊं तो भविष्य भी बेहतर बन सकते हैं। लेकिन लक्ष्य तो तय करने पड़ेंगे। लक्ष्य आप रखो, लक्ष्य डेफिनेटली आप रखिए और लक्ष्य के प्रति सजग रहिए, लेकिन लक्ष्य की तरफ जाने का रास्ता कहाँ होके जाता है? वर्तमान होके जाता है। माने वर्तमान की प्रसन्नता ही हमारे भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करेगी। वर्तमान की कुशलता, आप वर्तमान की कुशलता, आप भूतकाल से कितना सीखे हैं और वर्तमान में कितना कुशल है, ये आपको भविष्य को निर्धारण करेगी, निर्धारण करेगा। बहुत अच्छी आपने बात कही। और आर्ट ऑफ लिविंग में एक संदेश भी आता है कि आपके जीवन में बहुत सी बातें आएंगी, आपको करुणा, मैत्री और उपेक्षा के मार्ग को अपनाना होगा, ऐसी ऐसी बातें आई हैं। मैं स्वामी जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम वर्तमान में कैसे प्रसन्न रहें, क्योंकि जब देखते हैं कि हमारे परिवार में लोग दुखी हैं, हमारे पड़ोसी दुखी हैं, हमारे परिवार में बेटा दुखी है, ऐसी स्थिति में हमारे में प्रसन्नता का भाव कैसे आ सकता है? ये एक बड़ा ही दुर्गम स्थिति रहती है, इसके बारे में आपका क्या सोच है? एक बहुत सुंदर कहानी है, इसमें भगवान के पास एक व्यक्ति जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान आप क्यों हैं? जब चारों तरफ इतने सारे प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, तो आपकी क्या पर्पस है? भगवान ने बोला मेरा पर्पस यही है, मैं तुमको बनाया। अगर चारों तरफ प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख है, तो तुम भी तो हो ना, मैंने तुमको मेरे जैसा बनाया ताकि तुम उसमें कुछ कर सको। मैं फिर से बोलता हूँ, जब कोई दुखी व्यक्ति हमारे पास आते हैं, मैं अगर उसके साथ रोना शुरू करता हूँ तो मैं उसके दुख को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्रसन्न चित्त होके, शांत होके उसके दुख को समझता हूँ और उसके लिए एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ तो मैं उसको सच में मदद कर रहा हूँ। Now, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? अगर हम ध्यान से देखें और हम समझें, आर्ट ऑफ लिविंग में दो शब्द आता है, आर्ट और लिविंग। आर्ट माने कला, और कला माने क्या? कला माने जहां पे भी आप तनाव मुक्त होके पूरी तरह से रमे हुए हैं, उसी को कला कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, कोई संगीतकार हो, कोई चित्रकार हो, कोई डांसर हो, वो पूरी तरह से रम जाते हैं और तभी उसकी कला का प्रस्फुरण होता है। तो इसी तरह से जीवन में जब आप हर क्षण को पूरी तरह से जीना और कैसे जिए उसके ऊपर फोकस करते हैं, दृष्टि डालते हैं और उसके लिए मुझे क्या जरूरी है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो जीवन में हजारों तनाव होते हुए भी जीवन उसमें से गुजरने का रास्ता ढूंढता है और पा लेता है। तनाव है लेकिन आपको छू नहीं सकता है, दुख है लेकिन आपको छू नहीं सकते, आप उसको बेहतर कैसे बने उसके प्रति काम। आज आप देखिए श्री रविशंकर जी, परम पूज्य गुरुदेव 155 देशों में हैं। आज वो रशिया में हैं, हम अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं, इराक में काम कर चुके हैं, जहां जहां विपत्ति आई है, युद्ध हुए हैं, तनाव हुए हैं, वहां पे जाके हमने एक ही चीज देखा कि मन को ठीक करना जरूरी है, और जब मन ठीक है तो धीरे धीरे हम उससे बाहर आने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। तो ये मन को कैसे ठीक किया जाए, ये जरा आप मुझे बताइए। मन को ठीक करने के लिए, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए, उसको सबसे पहले समझना जरूरी है। मन को हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। अगर हम जीवन को देखें, जीवन शरीर और मन दोनों को लेके है, सिर्फ शरीर को लेके जीवन नहीं है, मन बहुत अहमियत रखता है। एक कमजोर शरीर हो और मजबूत मन हो चला लेता है, लेकिन एक मजबूत शरीर हो और कमजोर मन हो चला नहीं पाते। तो अगर हम ध्यान दें तो मन के प्रति ज्ञान जीवन में हमेशा कम रही है। तो मन करता क्या है? मन चंचल है। अच्छा, मन चंचल है तो जाता कहाँ है? मन घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह पे जाता है। अच्छा, उसमें भी मन कहाँ जाता है? ध्यान दे तो पता चले मन भूत और भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल की घटनाओं को लेके सोचते रहते हैं या भविष्य को लेके डरते रहते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या है नुकसान? हम वर्तमान को भूल जाते हैं, हम वर्तमान में हैं, इस क्षण की उपयोग हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मन को हमने समझा, मन की गति प्रकृति को देखा, मन क्या करता है उसको समझा, अब इसको ठीक कैसे करें? देखो 30 40 50 साल हो गया, मन की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। अचानक एक दिन बोलते हैं मन को ठीक करें,
संभव नहीं है। यहाँ पे जरूरी है एक मार्ग और मार्गदर्शक की। तो यहीं पे हमारे देश में कहते हैं गुरु विन गति नाही। गुरु माने ये नहीं है कि गुरु आप किसी को मान के उनके पास, गुरु माने एक ज्ञान, एक तत्व है। तो आपको एक मास्टर, एक गुरु मिल गए, एक रास्ता मिल गया, एक पद्धति मिल गए, फिर उसको आप करते जाओ। अब मैं अपने बारे में बताऊं, आज से 22 साल पहले मुझे परम पूज्य गुरुदेव मिले। उससे पहले मुझे खुद ही नहीं पता था मन कैसा होता है, पर उनके आते ही, आर्ट ऑफ लिविंग आते ही, सुदर्शन क्रिया करते ही मैं बेहतर समझ सकता हूँ मेरे मन को। और जब मैं बेहतर समझ सकता हूँ, मैं युद्धग्रसित क्षेत्र में जा सकता हूँ, मैं ट्रोमा रिलीफ के लिए काम कर सकता हूँ, मैं लोगों के पास जाके उनकी समस्या का निदान दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को बेहतर समझता हूँ और इसलिए मैं सॉल्यूशन भी ढूंढ सकता हूँ। एक पॉइंट, हाँ जी, जो आपने कहा ज्ञान हो, ये ज्ञान कैसे प्राप्त करें आप जन, हम कैसे ज्ञान को प्राप्त करें ताकि हम अपने मन को ठीक कर सकें, वो कौन सा ज्ञान है ये मैं? एक्चुअली ज्ञान तो हर कण कण में है जी, ज्ञान की कमी तो है नहीं जी, ज्ञान के प्रति सजगता की कमी है। तो मेरे यही मतलब है कि ज्ञान माने सजगता में लेके आ जाओ। अच्छा, आप बाहर की दुनिया में आप जाके एक बार देखिए, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन के बारे में जाना ही नहीं कभी। वो बहते जाते हैं, फ्लोट करते जाते हैं, सिचुएशन को रिएक्ट करते जाते हैं। नाउ एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, सूत्र है, लिख ले सब लोग, एक शांत मन हो भीतर तो बाहर हम डायनामिक बन सकते, कर्म कुशल बन सकते। अंदर अशांत मन हो, बाहर हम अशांति फैलाएंगे। तो सबसे पहले मन को समझे, जाने, उसकी गति प्रकृति को देखे, फिर एक पद्धति देखे, फिर ध्यान, प्राणायाम, योग और क्रिया के माध्यम से धीरे धीरे इस मन को हम चैनलाइज करें, दिशा निर्देश दें। दिशा निर्देश, राइट, ये है रास्ता है, यही रास्ता है और ये हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से हमें समझा के गए हैं। दूसरा एक रास्ता आपने ये भी बताया है कि व्यक्ति तनाव में रहता है, इस तनाव से, और ये वास्तव में हम देखते हैं सारे जीवन में हर जगह तनाव तनाव दिखाई देता है, इससे मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? देखिए, तनाव से कोई मुक्ति नहीं है। हाँ, क्योंकि दुनिया जितना कहते कहते कि तनाव अच्छा भी होता है, अगर तनाव होगा जीवन में तो आगे बढ़ेंगे, तत्परता होगी, क्या ये भी एक रास्ता? मैं नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते जी, वो बताइए फिर। सबसे पहली बात तो तनाव है क्या चीज। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि तनाव क्या है, तो आप मुझे ये आंसर देंगे कि जब सब कुछ मेरे मन के हिसाब से हो रहा है मैं खुश हूँ, और जब कुछ भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ मैं खुश नहीं हूँ, ये तनाव है। अच्छा, अगर हम ध्यान से तनाव को देखें, तनाव के असर कहाँ पे आता है? तनाव के सबसे पहला असर आता है मन पे। तो मन में क्या बदलता है? आवेग बदलता है। जैसे तनाव आया, मन के भीतर दुख आया, गुस्सा आया, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आया, या भागने का मन किया, अकेलापन आया। नाउ इस अकेलापन, गुस्से, ये चिड़चिड़ापन, इसका असर कहाँ पे आता है? श्वास पे आता है। आप ध्यान से देखिए, अब जब गुस्से होते हैं तो आपकी श्वास तेज चलता है, आप जब दुखी होते हैं तो श्वास स्लो होता है, बाहर वाले श्वास लंबे होते हैं, और जब खुश होते हैं श्वास रिदमिक होता है, उसका असर शरीर पे आता है। आज आधुनिक विज्ञान इस बात को मान चुके हैं कि 98% बीमारी सिर्फ मानसिक तनाव से है। नाउ इस चारों चीजों को फिर से देखें, मन, आवेग, श्वास की लय और आ गया शरीर। हमारे पास एक बहुत सुंदर टेक्निक है, उसको कहते हैं सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया श्वास की गति प्रकृति को बदल के शरीर, मन और आवेग से जो तनाव जुड़े हुए हैं उसको दूर करते हैं, दूर करते हैं। नाउ यहाँ पे एक बात आपने पूछा, तनाव से मुक्त कैसे हैं? हाँ। तनाव से हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने को इतना मजबूत बना सकते हैं कि तनाव हमें नहीं छू सके, न छू सके। यह हमारा लक्ष्य आर्ट ऑफ लिविंग में, आर्ट ऑफ लिविंग, और ये सुदर्शन क्रिया के द्वारा, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, योग, ध्यान, इन सभी प्रोसेस के द्वारा होते हैं। बिल्कुल, एक प्रोसेस। एक इसमें बड़ा सहज मार्ग होता है जो आम जन जानता है, वो था ध्यान। और जब व्यक्ति ध्यान लगाता है, आँख मूंद लेता है, उसके मन में नाना प्रकार के विचार सोचता कुछ है, विचार कोई आ जाते हैं, तो कहते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में एकाग्रता लाता है, मन को शांति प्रदान करता है, एक दिशा देता है। ठीक है, उसके साथ में और भी प्रक्रियाएं होती हैं, तो फिर इस ध्यान को हम कैसे करें, आम जन कैसे करें? क्योंकि आम जन से कहते हैं कि सब मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो नाना प्रकार के विचार आ जाते हैं,
तो क्या करना क्या चाहिए? हाँ जी, ध्यान के बारे में एक बहुत बड़े गलत फहमी हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर है कि ध्यान माने एकाग्र होना। एक्चुअली है नहीं ये बात। ध्यान दो शब्द मिलके होता है, ध्येय और न। ध्येय को संस्कृत में एकाग्रता के रूप में देखा गया या कहीं कहीं बुद्धि के, जैसे बोलते धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, ध्येय। ध्यान है क्या? ध्यान के लिए मन को समझना जरूरी है। मन का एक स्वभाव है चंचलता, और मन का दूसरा स्वभाव है जो रोकते हैं ज्यादा आते हैं। जो मन में आप रोकना चाहेंगे वो बार बार आएगा। तो अगर आप ध्यान में आंखें बंद करके बैठते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, सभी सोच आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक की जरूरत है, उसको बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन। जैसे छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के ले जाते हैं और जब वो चलना सीख जाता है तो छोड़ देते हैं। इसी तरह से बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़े। एक घोड़े को आपने कभी ट्रेनिंग नहीं दिया, अचानक बोलते चलो मैं तुम्हारे ऊपर सवारी होकर बाजार जाता हूँ, घोड़े बोलेंगे मैं तुम्हें गिराता हूँ। मन को कभी आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, अब मन को अचानक बोलते चलो शांत हो जाओ, मन बोलेंगे मैं और अशांत हो रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है गाइडेड मेडिटेशन। आर्ट ऑफ लिविंग में हम यहीं से शुरू करते हैं। हम आर्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले गाइडेड मेडिटेशन देते हैं कि हम आपको मदद कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप उसको फॉलो करो आंखें बंद करके, तो एक सुकून मिलता है कि चलो कुछ हो रहा है जो मैं समझ रहा हूँ। और धीरे धीरे जब इसको हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो बहुत सारे साधकों का ये अनुभव रहा है कि मेरे नींद की कमी पूरी हो गई, मेरा मन पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता है, मेरा मन शांत रहना सीख गया, मेरे मन में विचारों की तूफान नहीं चलता है, मेरा मन छोटे छोटे चीज में डरते नहीं है, मेरा मन शंका नहीं करता है छोटे छोटे चीजों में, या मेरे अंदर की खुशी या शांति को मैं महसूस कर सकता हूँ। ये ध्यान का रिजल्ट है। तो क्या जब आदमी ध्यान करे, मैंने जो आपने कहा कि गाइडेंस माने का अभ्यास करना, तो जैसे मान लीजिए उसने 5 मिनट बैठे अपना ध्यान लगाया और विचार आए आने दीजिए, फिर हम दूसरे दिन बैठे, फिर तीसरे दिन बैठे, जब ये अनवरत प्रक्रिया करते हैं तब कहीं हमको उसका प्रसाद मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे एक, हाँ आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है आपकी मदद। हाँ, इसीलिए यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ चुके, वो आपको निर्देश दे सकता है, गाइड करे। इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अभी आंखें बंद करके बैठे और मैंने आपको कहा चलिए एक श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए और श्वास पे मन को थोड़ी देर के लिए ले जाइए, तो आपको एक सुकून मिलता है कि मुझे क्या करना है पता है। और इससे धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते फिर आप अकेले ही बैठ के कर सकते हैं। ये गाइडेंस। लेकिन हमारे समाज में गाइडेंस देने वालों की बड़ी कमी है। आज योग दिवस जरूर हम मना रहे हैं, लेकिन योग और योग शिक्षकों की बड़ी कमी है, ये तो मानते हैं आप? मैं ये मानता हूँ। हाँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि आज योग के प्रति जो सजगता है वो पहले नहीं था। तो मैं ये मानता हूँ कि आज अगर आप बोलते योग प्रशिक्षक की कमी है, लेकिन साथ में सजगता भी है। जैसे मैं बैंगलोर से आज कानपुर आया योग कराने के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये सजगता है। लेकिन ये तो आपका लक्ष्य ही, आपका काम ही है। एक वैद्य का काम, एक डॉक्टर्स का काम, एक शिक्षक का काम, जैसा है वैसे आप भी कर रहे हैं। राइट, बट यहाँ पे एक अंतर है छोटा सा। ये अंतर ये है कि लोगों की उत्साह आज सुबह मुझे दिखने को मिला। मुझे देखा लगभग 4-5 हजार लोग वहाँ पे बैठे थे और 2 घंटे तक बैठे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनमें से लगभग 70% युवा पीढ़ी थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 70% युवा पीढ़ी के अंदर योग के प्रति, शरीर को ठीक रखने के प्रति, मन को समझने के प्रति जागरूकता तो आ गया। तो आगे हमें और रास्ता मिल जाएगा। I am sure. चलिए, एक बात और भी है कि जब हम लोग अपने कर्म क्षेत्र में होते हैं, काम करते रहते हैं, तो वहां पर भी 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो अच्छे काम करने वाले, मन से काम करते हैं, समय से आते हैं और अपने कर्तव्य परायणता का परिचय देते हैं, लेकिन वही दूसरे प्रकार के लोग होते हैं। एक ग्राम्स का नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ऐसे भी लोग होते हैं। और वो अपने नाना प्रकार के प्रयासों से जो अच्छे काम करने वाले हों,
उनमें उनको एक किनारे कर देते हैं, उनको महत्वहीन बना देते हैं, उनको प्रोग्रेस करने में बाधाएं डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में अच्छे काम करने वाले लोगों के मन में कुंठा, हताशा, निराशा सब जागृति हो जाती है। वो लोग कैसे प्रसन्न रहे? मैं एक जगह पे, शायद मेरा अपना मत थोड़ा अलग है, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे व्यक्ति सोचते ज़्यादा है और गलत व्यक्ति करते ज़्यादा है। अच्छे व्यक्तियों की सोच इतने ज़्यादा है कि वो इकट्ठा नहीं हो पाते, और गलत व्यक्ति क्योंकि कर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप ध्यान से देखें तो अच्छे काम करने वाले की संख्या ही ज़्यादा है। एक ही प्रॉब्लम है कि वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, एक जगह पर नहीं आ रहा है। अलग अलग मत, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ में बटे हुए हैं। लक्ष्य तो एक ही है लेकिन बटे हुए हैं। तो मेरा यही विनती है या मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अच्छे व्यक्ति को इकट्ठा करूं। और अगर हम सच में अच्छे हैं, हमारे रास्ते में कितने भी बाधा आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गांधी जी को जब देखता हूँ या मैं किसी भी मनुष्य को देखता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, जानता हूँ, तो मुझे पता चलता है उनके जीवन बहुत फूल बिछे हुए नहीं थे, कांटे थे, लेकिन उनके उद्देश्य में मजबूती थी, इसीलिए वो कांटे से चल के गए। मुझे सभी अच्छे व्यक्ति से ये अनुरोध होगा कि आप एक हो, लक्ष्य एक है हमारा, एक जगह पे आते हैं, और हम जब सब एक होके कर्म कुशल बनेंगे, कर्मशील बनेंगे, तो धीरे धीरे वो अंधेरा हट जाएगा। हताश मत होना प्लीज, आप हताश कभी नहीं होना, क्योंकि हताशा का कोई मेडिसिन नहीं है। तो उसमें प्रसन्नता कैसे आए? बस वही है जो आप कहते हैं ना, वर्तमान में प्रसन्न रहो। उसी जगह फिर मैं आपको टोक रहा हूँ कि हम यहाँ काम करते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कहीं कहीं हमको अपमानित भी होना पड़ता है, कहीं कहीं अच्छे लोगों को जलील भी किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में हम प्रसन्न कैसे रहें, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, जी बताओ, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है काम आप जो कर रहे हो करना, कि लोगों की बातों के साथ चलना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। काम करते रहना चाहिए, काम का रस लेना चाहिए, काम में आनंद प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जो चारों ओर का जो वातावरण होता है वो आदमी को विचलित कर देता है। बट जब आपकी लक्ष्य स्थिर है, आपके उद्देश्य में मजबूती है और आपके उद्देश्य में पवित्रता है, तो बाहर के लोग क्या कर रहे नहीं कर रहे वो आपको आप शायद उतना मायने नहीं रखता, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं और आप यहाँ तक मेरे, आप जो बैठे हैं यहाँ पे, आप बहुत लंबे चल के आए, आपके मार्ग में हजारों बाधा आई, लेकिन आज भी लोग आपके सामने झुकते हैं क्योंकि आप बाधा की तरफ नहीं ध्यान दिए, आपने अपने मार्ग की तरफ ध्यान दिए। मुझे लगता है ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। श्योर जी। अब ब्रेक के बाद फिर आपसे हम जानेंगे कि हमारे जीवन में योग की कैसे प्रक्रिया आए एक सामान्य रूप से और हम स्वस्थ रह सकें। शाही अंदाज खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल, द मॉल, कानपुर। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। प्रकृति है जीवन का आधार,
प्रकृति में है हर रोग का निदान। वो सामान्य या फिर भयावह रोग, जो लेंगे शरण प्रकृति की, रहेंगे निरोग। देखिए नेचुरो मंत्रा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान, जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स, जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, जिससे एक हमें नया आलोक मिलता है। अभी हम बात कर रहे थे, अच्छे लोग जब काम करते हैं तो नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, लेकिन हम स्वामी से जानेंगे ये जो बुरे लोग हैं इनसे हम कैसे व्यवहार करें। ये बड़ी समस्या है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जी कि सबके भीतर एक छोटा बच्चा परेशान हो रहा है, रास्ता कहाँ से मिले। मैं बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जोन में काम कर चुका हूँ। मैं अफ्रीका में रहा हूँ, मैं कश्मीर में रहा हूँ, मैं कारगिल में रहा हूँ। मुझे एक बात हर जगह पे महसूस हुआ, जो गलत व्यक्ति हम बोलते ना, शायद ये शब्द थोड़ा सा गड़बड़ है, गलती उससे हो रहे हैं क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं, समझ नहीं है। और ये समझ और ज्ञान किसी ने उसको दिया नहीं। बचपन से बड़े, जो युवावस्था में या जब बड़े हुए, किसी ने उसको सिखाया नहीं मन को कैसे जाने या मन को कैसे दिशा निर्देश दे। अब इसकी कमी से उससे कुछ हो रहा है जिसको हम गलती का नाम दे रहे हैं, जो गलती है, बट हम उसको गलत व्यक्ति बोलेंगे तो सुधारने का रास्ता बंद हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक सुधारने की संभावना है, और ये आध्यात्मिक कहते हैं, और आध्यात्मिक होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम सभी व्यक्ति को लेके चले। मुझे लगता है समाज में ऐसे एक मजबूत ढांचा बनाना ज़रूरी है बचपन से, जहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्ञान मिले कि मानवीय मूल्यबोध क्या है। ना यहाँ पे मानवीय मूल्यबोध के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा। मैं जैसा व्यवहार दूसरों से अपेक्षा करता हूँ, क्या मैं वही व्यवहार दूसरों के साथ कर रहा हूँ। इस बात को जब समझ में आ जाए तब मानवीय मूल्यबोध है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है घूमने से। मेरा हमारा एक स्कूल चलता है बोत्सवाना में। बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ पे मैं गया था उस स्कूल देखने। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4.5-5 साल के। मैं वॉशरूम जा रहा था, बाथरूम, एक बच्चा आ रहा था, वो मुझे देखा, दौड़ के अंदर चला गया। तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ, कर क्या रहा है। मैं अंदर गया तो देखा वो टिश्यू पेपर लेके टॉयलेट को क्लीन कर रहा है। मैंने बोला क्या कर रहे हो। बोला मैंने अभी इसको यूज़ किया और आप आ रहे हैं तो मैं आपके लिए और साफ छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो उसके अंदर की भावना कि कोई आ रहा है, मैं उसके लिए साफ छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये सारी भावनाओं के प्रति सजग होना ज़रूरी है, और तभी हम गलती और गलत व्यक्ति दोनों को अलग करके। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग तो कहता है कि बुरे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। कभी नहीं कहा ऐसा, बुरे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो गुरुजी शायद सब अच्छे अच्छे लोगों को लेके ऑर्गेनाइजेशन बनाते। बट हमारे यहाँ पे आतंकवादी भी आते हैं, हमारे यहाँ पे नक्सलाइट्स के भी कोर्स होते हैं। अभी भारत सरकार की तरफ से जो समर्पित हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनको कोर्स कराया जा रहा है हमारे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा।
तो यहाँ पे सबके स्वागत करते हैं हम ये नहीं देखते तुम कौन हो, बट हमारे अंदर एक भरोसा है कि जब तुम आओगे तुम जो भी थे, लेकिन जब तुम जाओगे तुम वो नहीं रहोगे। ये तो आपकी एक संस्था है, मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो बेचारे कहाँ से ऐसे सुधार करेंगे, क्या करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है ना। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये सही प्रश्न है, साधारण व्यक्ति गलतियों को कैसे सुधारे। इसीलिए जरूरी है कि साधारण व्यक्तियों का एक गुट होना चाहिए, जहाँ पे सब लोग एक दिशा में सोच रहे हैं। आज अमर उजाला मुझे यहाँ पे बुला के लाए, क्योंकि अमर उजाला के भीतर सबके एक ओपिनियन था कि हमें आर्ट ऑफ लिविंग से योग करानी है। इसी तरह से जब सभी कानपुर वासी या पूरे भारतवासी इस बारे में सोचेंगे कि हमें एकजुट होके जो अन्याय है उसके खिलाफ खड़े होना। आज आप ध्यान से देखिए, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारा काम हो चुके हैं और इसको लेके लोग गर्वित हैं। एक बात और भी ये है, क्या कारण है कि योग के प्रति जितनी जागरूकता है उस जागरूकता में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है बसरते पुरुषों की? शायद वो ज्यादा जागरूक है। हाँ, ज्यादा जागरूक है। शायद पुरुष बहुत व्यस्त हैं और अपने प्रति सोचने का टाइम नहीं मिल रहा होगा जी। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात तो है, 40 साल तक हम सोचते नहीं है, शरीर है मन है, मेहनत करते रहते हैं और 40 साल के बाद सभी पैसा ले जाके हम डॉक्टर को देके आते हैं, बट ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दोनों, आज सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पुरुष भी थे, महिलाओं भी थी और लगभग सम इक्वल नंबर में ही थे, युवा भी थे। हाँ जी। एक ये भी कहा जाता है कि योग में कैंसर का भी इलाज है, डायबिटीज़ का भी इलाज है और जितने भी विलक्षण रोग आप नाम ले लीजिए सबका उसमें इलाज है। तो अगर सबका इलाज है और योग को इस तरीके से लोग करा करके अपने सुबह इन्हीं प्रांगण बैठाल करके, क्या ये सारे रोगों का निदान कर देता है? नहीं, इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे करना चाहिए? मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ, 98% जो बीमारी है वो मानसिक तनाव से है, योग उसके ऊपर काम कर सकता है। जो 98% बीमारी हो रहा है तनाव से जुड़े हुए, योग उसको ठीक कर सकता है या आपको मजबूत बना सकता है कि वो ना हो। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 90 साल के हो चुके हैं, 80 साल की, कोई बीमारी नहीं है, रोज योग करते हैं। एक बार बीमारी होने के बाद उसको ठीक करने में योग की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लंबे समय की प्रक्रिया है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ज़रूर डॉक्टर के सुझाव लेना ज़रूरी है। डॉक्टर के सुझाव लें, ये डॉक्टर के सुझाव आपने कहा बहुत अच्छी बात की। क्या ये डॉक्टर का सुझाव एलोपैथिक, होम्योपैथिक या फिर योग के द्वारा कैसे इसको दूर करने की प्रक्रिया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। किसी भी कठिन बीमारी में मेरे हिसाब से सबसे पहले तो एलोपैथी डॉक्टर का एक ओपिनियन लेना जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और उसके बाद देखना है, जैसे आज अगर हम बहुत सारे हमारे राज्यों में एक आयुष के दफ्तर है जहाँ पे सभी को इकट्ठा किया गया, आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी है, एलोपैथी भी है और चारों के मिश्रण है। मुझे लगता है हमारे देश की परंपरा रही आयुर्वेद, हमारे देश की परंपरा को हमें भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए आयुर्वेद को भी साथ में लेके चलना ज़रूरी है। हमारे खुद के आयुर्वेदा हॉस्पिटल है और हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा किया जाता है बेंगलोर में, और हमने देखा बहुत सारे कठिन बीमारियों को लंबे समय की ट्रीटमेंट के बाद ठीक होते हुए। मैंने आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जो इस तरीके के विलक्षण रोग हैं उनको पहले आप एलोपैथी के द्वारा या विभिन्न जांचों के द्वारा उनका पता लगा ले और फिर उसके बाद संबंधित व्यक्ति से ओपिनियन लेकर के उसका इलाज करें, सही प्रशिक्षक से। सही प्रशिक्षक, हाँ, क्यों किसी और से नहीं। हाँ। जो सच में जानकार है और जिसके अंदर सही प्रशिक्षण है, हाँ। ऐसे योग मास्टर को, टीचर को, गुरु को लेके, मतलब ये जो अंधाधुन चल रहा है कि इसका भी इलाज, इसका भी इलाज, इसका भी इलाज है, तो ये एक मैं नहीं मानता। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर सामान्य व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे वो कौन सी योगिक क्रियाओं को करे जिनसे वो स्वस्थ रह सके? मैं आज 5 चीज़ों के बारे में बात किया जी, वो बताइए। मैंने सबसे पहले बोला दो, शरीर और मन दोनों को लेके चलना है।
सिर्फ शरीर पे फोकस करेंगे नहीं चलेगा, सिर्फ मन पे फोकस करेंगे नहीं चलेगा, दोनों को साथ में लेके चलना जरूरी है। तो शरीर को ठीक रखने पे आता हूँ पहले मैं। शरीर को ठीक रखने के लिए 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनको जिनकी से पता चलता है आप कितने फिट हैं। सबसे पहले आपकी हृदय, आपकी हार्ट रेगुलर व्यायाम कर रहा है कि नहीं, और उसके लिए आपको 45 मिनट से एक घंटा चलना चाहिए तेजी से, ताकि आप 10,000 कदम ले सकें। तो रोज का टारगेट होना चाहिए कि आप 10,000 कदम जरूर चलें। दूसरा, अगर आप और थोड़ा सा फिट है तो 2 किलोमीटर आप दौड़े, बहुत ही धीमी गति से अपने तरीके से। ये हार्ट को मजबूत रखता है या हार्ट की फिटनेस की तरफ ठीक है। दूसरा आता है मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशी की मजबूती। मांसपेशी की मजबूती कितना भारी वजन उठाते हैं उससे नहीं, हम कितनी देर तक एक स्थिति में रह सकते हैं वो मांसपेशी की मजबूती है, ये इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। तीसरा आता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे मांसपेशी और हमारे जोड़ों में कितना लचीलापन है ये हमारी फिटनेस को निर्धारण करता है। चौथा आता है हमारे कोर, हमारे पेट और पेट के आसपास के एरिया, यहाँ पे मजबूती बहुत ज़रूरी है। और फिर पांचवी आता है हमारे बैलेंस, हमारे शरीर कितना बैलेंस में रख सकते हैं। नाउ योग इन पांचों को लेके चलता है। योग से आपकी हृदय की गति बढ़ता है, हृदय अच्छे होते हैं, योग से आपकी मांसपेशी की मजबूती बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, आपकी कोर एरिया मजबूत होते हैं और साथ में आपकी बैलेंस बढ़ता है। ये हो गया है। अब क्या क्या करना चाहिए? हाँ ये राइट, सबसे पहले हमें रोज चलना चाहिए। अगर रोज नहीं चल सकते 6 दिन चलना चाहिए हफ्ते में। कितना देर चलना चाहिए? मिनिमम 45 मिनट्स वॉक करना ही चाहिए। दूसरा, हमें लिफ्ट के प्रयोग बंद करके सीढ़ी से चलना शुरू करना चाहिए। चौथा, हमें थोड़ी देर बाद बाद कुर्सी से उठ के 10 कदम 15 कदम लेके आना चाहिए, ये चलना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमें खाने में ध्यान देना चाहिए, ऑयल शुगर इन सब को अवॉइड करना। दूसरा आता है स्ट्रेचिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मांसपेशी को स्ट्रेच करें। ये आपको सीखना पड़ेगा कि अलग अलग मांसपेशी को हम कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तीसरा आता है रोटेशन, हमारे जॉइंट को कैसे सही तरीके से हम रोटेट करते हैं ताकि जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी रहे, जॉइंट ठीक से काम करे। देन आता है आसन, आसन माने किसी भी स्थिति में हम कितने देर तक रह सकते हैं कंफर्टेबली। और उसके बाद आता है मन की बातें, मन में हम बात करते हैं सबसे पहले ध्यान, पर ध्यान की शुरुआत होता नहीं ऐसे, शुरू करते प्राणायाम से, और प्राणायाम के बाद धीरे धीरे हम स्लो ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शरीर के लिए योग, मन के लिए ध्यान प्राणायाम काफ़ी है। अच्छा, आपने ध्यान के लिए तो बताया था कि एक गाइड हो फिर उसके हिसाब से करें, लेकिन प्राणायाम कैसे किया जाए? हाँ, प्राणायाम शब्द आया है प्राण शक्ति को नियंत्रण करना, वहाँ से ना। प्राण शक्ति माने क्या? हमारे शास्त्र के हिसाब से, योग विज्ञान के हिसाब से, हमारे एक शरीर होता है स्थूल, एक शरीर होता है सूक्ष्म। स्थूल शरीर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सूक्ष्म शरीर के लिए प्राण शक्ति की ज़रूरत है। जब हम श्वास लेते हैं तो उसके साथ प्राण शक्ति आता है जो 72,000 नाड़ियों से हमारे शरीर में बहते रहते, बहुत सारे नाड़ी है पर मुख्य 72,000। ना प्राण शक्ति को नियंत्रण करना शुरू होता है सिंपल से प्राणायाम से, जैसे शुरू होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? जैसे आप बाएं नासिका से अपने हाथों को ऐसे रखें, दोनों उंगलियों को भ्रू मध्य में, बाएं अंगूठा बाएं नासिका में से, ये उंगली यहाँ पे अनुलोम विलोम की जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। अब बाएं नासिका से आप श्वास लीजिए, लंबे श्वास, उसको रोकिए और धीरे धीरे दाहिने नासिका से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, रोकिए, बाएं से छोड़िए। ऐसे आपको करना है 18 श्वास 18। अगर आप सुबह उठ के इतना करते हैं फिर आप देखिए आपके मन की स्थिति में कितना बदलाव आता है। दूसरा आता है हमारे जो प्राणायाम में आता है भ्रामरी प्राणायाम, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चे सब देख लो और सीख लो। दोनों कान को हल्के से बंद करना है और एक भोमरे जैसा आवाज करना है, ये मस्तिष्क में और मेमोरी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्राणायाम आर्ट ऑफ लिविंग में हम सिखाते हैं उनमें से। अच्छा, बस खाली अंत में ये और बताइए कि हमको सावधानी क्या बरतनी चाहिए?
हमको सावधानी बरतनी चाहिए, सबसे पहले जो सबसे खतरनाक चीज है जीभ, हमारे टंग से। कुछ भी और कभी भी और कहीं भी नहीं खाना चाहिए। भोजन पे बहुत सजग रहना चाहिए और जो भोजन करना चाहिए वही खाना चाहिए, क्योंकि जो आप खाते हो ऐसा बन जाते हैं। दूसरे सावधानी बरतनी चाहिए जीवन शैली पे, सोने पे, रोज एक टाइम पे खाना, एक ही टाइम पे सोना मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके करना चाहिए। और तीसरी सावधानी बरतनी चाहिए हमारे मन को लेके, कि हमें छोटे छोटे बातों में गुस्सा तो नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बातों में चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सजग रहना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुति दी, और निश्चित रूप से आपने जो योग का सहज मार्ग बताया, कितना सहज मार्ग है, पैदल चलिए, ये बार बार लिफ्ट का प्रयोग क्यों करते हैं। और दूसरी बात, खान पान बहुत जरूरी है, अगर इस पर आपने नियंत्रण नहीं किया, इस इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं किया, आपके लिए घातक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा गुस्सा उस्सा कम करिए, आवेग मत आइए, निश्चित रूप से आपके ये सहज मार्ग आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। जरा करके तो देखिएगा, आपको स्वामी जी ने जो बताया है निश्चित रूप से ये आपके लिए वरदान है। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़, नमस्कार।